हाय फ्रेंड्स, मैं बीएल बिहारी। तो फिर आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो लेके हम आ चुके हैं, पुल संख्या 7 जो निर्मली और आसनपुर कुपहा रेलखंड के बीच में बनने के लिए जा रही है। इसमें कितना काम किया गया है वो सब हम आज आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डस्ट रखा हुआ है, क्योंकि इसी डस्ट के ऊपर से स्लीपर बिछाया जाएगा और उसके बाद जो पुल है सामने बन रही है पुल, उस पुल में कितना काम किया गया है, तो यही आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो का शुरू से अंत तक और देखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों तक हर दिन नए नए खबर हम लाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और मैं बीएल बिहारी ऑफिशियल मस्ती चैनल पर भी दिखाते हैं, और जो बीएल बिहारी फर्स्ट एडिशन चैनल है उस पर हम आप लोगों के लिए कॉमेडी और प्रैंक वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वो वीडियो भी बहुत जल्द उस पर शुरू करेंगे। प्रैंक वीडियो अभी फिलहाल कॉमेडी ही डाल रहे हैं, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप लोग कॉमेडी वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से पुल का सीन। तो पुल में क्या सब काम किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। और आगे आप देख सकते हैं कि रेल यहाँ तक बिछा दिया गया है, और आगे चल के देखते हैं और आगे क्या काम हो रहा है तो वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इस लाइन में जो डस्ट का है, पूरी तरह से डस्ट यहाँ बिछाया गया है, और बगल में आप देख सकते हैं कि स्लीपर जो है वह स्लीपर भी यहाँ पर रख दिया गया है, और रेल जो है रेल भी यहाँ तक आ चुका है। तो आगे क्या कार्य हो रहा है तो उस कार्य के बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मजदूर है वह मजदूर यहाँ स्लीपर बिछाने की काम किया जा रहा है, तो उन मजदूर के द्वारा यहाँ पर स्लीपर बिछाई जा रही है। और कुछ दूर आगे देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपर भी बिछा दिया गया है। अब जो बचा हुआ काम है इस पर रेल चढ़ाना, रेल चढ़ाने के बाद इस पर माल ट्रेन यानी कि ब्लास्ट जो है उसका कार्य किया जाएगा। तो हम आपको पुल के दूसरी तरफ भी चलते हैं और दूसरी तरफ से भी हम दिखाते हैं, तो वीडियो का शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। और बात करेंगे यहाँ पुल पर, तो पुल पर भी रेल जो है वो बिछा दिया गया है, यानी कि पुल पर भी रेल बिछाने के कार्य जो है वो हो चुका है। और आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम दूसरे साइड चलते हैं और दूसरे साइड का भी फुटेज हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जो किस तरह से रेल बिछाया गया है या स्लीपर में चढ़ाया गया है या नहीं, तो वह भी हम आपको दूसरी तरफ चलकर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे साइड में भी जो बांध है उसमें भी बहुत फास्ट काम किया गया है, और जो घास वाला मिट्टी होता है वह भी लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्लीपर है, लोहे का जो स्लीपर है उसे ब्रिज से टाइट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं, और यह जो आप देख सकते हैं यह हो गया आपका आसनपुर कुपहा रेलवे हाल की दिशा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी रेल बिछा दिया गया है, स्लीपर भी बिछा दिया गया है, लेकिन स्लीपर के ऊपर रेल जो है वह चढ़ाया गया है, लेकिन इसे संपूर्ण तरह से कंडीशन में नहीं बिछाया गया है। अभी इसमें पेंटिंग की जो कार्य है वह किया जा रहा है, क्योंकि आगे इसमें जंग लगने की कम संभावना होगा। और यहाँ देख सकते हैं पुल पर भी काम हो चुका है, दोनों ही तरफ से हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। और अगर आप नए आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ देख सकते हैं जितना यहाँ पर कार्य है उन सभी कार्य को बहुत ही तेज़ी से किया गया है। अब इस पुल के बाद ब्रिज संख्या 5 जो है उस पर कार्य किया जाएगा, और उस पर भी कार्य को फाइनल तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले इस पुल पर ट्रेन स्पीड ट्रायल और जो कार्य होता है उन सभी कार्य को फाइनल किया जाएगा, पहले मात्र एक पुल को फाइनल किया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पुल में बहुत ही तेज़ी से कार्य को फाइनल किया गया है। तो चलिए आगे की हम आप लोगों तक हम जानकारी देते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो यह जो आप दिशा देख सकते हैं यह आसनपुर कुपहा से निर्मली की दिशा है, और यहाँ पर एक जो कटिंग यहाँ पर किया जाएगा, और कटिंग करने के बाद यहीं से जो पुल की तरफ रेल बिछाया गया है पुल पर, उस पुल से यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद फाइनल यहाँ पर कार्य कर लिया जाएगा। देख सकते हैं यहीं से एक दूसरे को जोड़ी जाएगी। तो यह जानकारी और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मैं बीएल बिहारी विदा लेते हैं इस वीडियो से, तो फिर भी लगे नई वीडियो में।